हेलो गाइस एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो ये डे सेकंड है, कल मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि कल मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। ये डे सेकंड है तो अभी जो ये व्लॉग है ये हॉस्टल स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारा रेस्टिंग रूम है और यहाँ पर हम चेंज वगैरह करते हैं। तो कभी मैं आपको हॉस्टल का टूर दूंगा इंशाल्लाह रहमान, परमिशन होके जब मुझे परमिशन मिल जाएगी तो हॉस्टल टूर जरूर दूंगा। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह बाहर। बस अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, गाड़ी को हम थोड़ी बहुत कोल्ड स्टार्ट रखेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी को हम थोड़ी देर 5 मिनट तक कोल्ड स्टार्ट पे रखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज मुझे एक और बंदे से मिलने जाना है तो वो मुझे अभी आगे मिलेगा। तो चलो आपको भी मिलवाएंगे। और हमें श्रीनगर जाने का प्लान है, श्रीनगर जाने का प्लान क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी मुझे रसिक भाई मिल चुका है। रसिक भाई क्या हाल चाल है? ठीक बस बढ़िया, आप सुनाओ? बस बढ़िया। आज का क्या प्लान है? हमें जाना है जी श्रीनगर। ठीक, मुझे लाना है एक कैट। ठीक, ब्रिज में जबरदस्त मतलब शौक रशिन। ठीक, मुझे और जाहिद भाई को जाना है श्रीनगर। क्या नाम बोला था उसने? नारबल लवेपोरा से हमें एक कैट लानी है। तो अगर मुझे भी पसंद आई वहाँ पे कैट तो और मैं भी एक कैट लूंगा। तो बाकी मिलते हैं आगे प्यारे से व्लॉग में। तब तक आप फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे चैनल कर जो सब्सक्राइब, ताकि सपोर्ट जरूरत। ठीक है, चलो गाइस अभी हम सोपोर ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप मेरे व्यूज में चेक कर सकते हो, ये है सोपोर का ब्रिज। ये आप चेकआउट कर सकते हो कितना खूबसूरत है। और आज मौसम भी बहुत ही बढ़िया है और मेरे साथ रसिक भाई भी हैं। तो बाकी आप व्यू चेक करो यहाँ का सोपोर का। ये आप देखो खूबसूरती। हम पहुँचे पटन, हमें एक बंदे से मिलना है। बहुत वो क्योंकि वो कश्मीर का एक बहुत बड़ा क्रिएटर है तो उससे हम आपको मिलवाएंगे। और वो मेरा फ्रेंड ही है, रसिक भाई का फ्रेंड है। रसिक भाई ने उसको कॉल किया क्योंकि हमें श्रीनगर जाना ही है। तो हमने रसिक भाई को मैंने ही बोला है कि उसको फोन करो ताकि हम उसको मिलेंगे, ताकि हमें उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं और रसिक भाई भी ऑलरेडी बहुत बड़ा क्रिएटर है और मैं तो अभी बिगनर हूँ। तो बाकी जो उसका नाम है अभी रिवील नहीं करेंगे, जब हम वहाँ पर आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी आप वीडियो में बने रहेंगे। गाइज हम पहुँचे हैं जिस बंदे को हमें मिलना था, एक और बंदा हमें हमारे साथ जुड़ने वाला है जो मैंने आपको पहले बोला। तो बाकी ये है जिस बंदे को मैंने आपको पहले बोला था कि हमें किसी और बंदे को मिलना है जो कश्मीर का सबसे बड़ा क्रिएटर है, जिसको आप जानते हो आमिर। तो वो एक प्रैंक स्टार है कश्मीर का, वो बहुत ही नाइस बंदा है। हम आपको आपसे मिलवाएंगे। तो आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये है वो बंदा कश्मीर का सबसे बड़ा क्रिएटर। सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। बड़ा दरसा काल कुंटा आसपास भाई की क्या शख्स पब्लिकस बनान बुझिस पब्लिकस बना ही। लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में गाली दो। नहीं गाली नहीं, गाली तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बिल्कुल एक मजाक है। कमेंट्स पे करो, शेयर्स पे करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो करो, शेयर अच्छे करो, सपोर्ट इसी तरह राज को करो सपोर्ट। राज बना सेलिब्रिटी, राज बना सेलिब्रिटी रातों रात। जैसे राज को एक सेलिब्रिटी बनाया भाई जी, मुझे और आमिर भाई को भी बनाओ। आमिर भाई ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की, इसके भी चैनल पे प्यार बरसाओ। बाकी अभी आमिर भाई ने एक नया शॉप डाला है, अभी इसके शॉप पे जाएंगे, देखेंगे कि इसमें वहाँ पर क्या, अगर कुछ मिला तो हम लाएंगे जरूर। कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है वहाँ पर। फिर हम कब आ रहे हैं? लोगों का प्यार, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, वो तो बहुत जरूरी है। अमीर जी ने ऊपर के लिए, चलो ठीक है। ये है आमिर भाई और ये है रसिक भाई। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं तो हम थोड़ा सा गपशप करेंगे, इसके शॉप पे इसका शॉप देखेंगे, तो बाकी आगे देखेंगे। नाज़रीन मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर भट्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। आप चेक करो आमिर भाई कितना कूल लग रहा है यार। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक सही सही सही। बाकी माशाल्लाह ये आप आमिर भाई का शॉप देख सकते हो। शॉप में
माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये, आप इसकी कलेक्शन चेक कर सकते हो। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही पसंद आया मुझे, बहुत ही अच्छे से सजाया है उसने। तो बाकी यहाँ की हम क्वालिटी चेक करेंगे, तो बस मिलते हैं अभी। तो फाइनली गाइज हम आमिर भाई से मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने आमिर भाई के साथ गपशप वगैरह की है और आमिर भाई ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूँ। तो आमिर भाई एक बहुत ही बड़ा क्रिएटर है, तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा है। तो बाकी हमने इसके शॉप पे विजिट की और जो भी यहाँ के सिंगपुरा या पटन के एरिया के जो भी यहाँ पर नियर बाय हैं, यहाँ पर एक बार आ जाए और फिर आप डिफरेंस देखो यहाँ पर और बाकी दुकानों में क्या डिफरेंस है। और आमिर भाई ने बोला है कि अगर हम रासिक भाई के फॉलोअर्स आएंगे यहाँ पे या उसके नाम आएंगे यहाँ पे, तो वो डिस्काउंट भी भरपूर देंगे। बाकी आप यहाँ की कलेक्शन चेक करो, अभी कलेक्शन कम है लेकिन बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। यहाँ का इंटीरियर मुझे पर्सनली पसंद आया, तो ये और बाकी जो इसने ये भाई लाइटिंग का सिस्टम लगाया, ये बहुत ही प्यारा है। आमिर भाई इज ए ग्रेट पर्सनालिटी। तो बाकी राशि भाई और आमिर भाई इन वन फ्रेम बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आमिर भाई और राशि भाई एक फ्रेम, तब तक रोना आएगा यार। हम तीनों चैनलों को फॉलो कीजिए, बाकी थैंक यू। तो फाइनली गाइज यहाँ का सीन सब कुछ खत्म हो चुका, हम आमिर भाई से मिल चुके भी हैं और ये बहुत ही ग्रेट पर्सन बंदा है, डाउन टू अर्थ बंदा है। बाकी हम इसे रफ्सर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। आमिर भाई चलो ठीक चलो गाइज श्रीनगर पहुँच चुके हैं। मैंने आपको बोला था वीडियो में हमें कुछ सरप्राइज आप लोगों के लिए लाना है, तो बस कुछ ही दूरी पे हैं, तो वह हम पिक करेंगे, तो फिर हम आपको भी रिवील आपको भी दिखाएंगे और तो ज़रूर कि वो आपको पसंद आएगा। तो बाकी मिलते हैं वहीं पे। तो गाइज ये वो चीज़ हैं जिसके लिए हम कुफ्वारा से यहाँ पे आए हो, मैं और राशिक भाई। ये आप चेक कर सकते हो, मगर लेनी है हमें दूसरी वाली। अच्छा लेनी है हमें दूसरी वाली है, दूसरी वाली, हाँ। अच्छा ठीक है, बस ये भी आप चेक करो, ये भी कितनी प्यारी है, बहुत ही कॉपरेटिव है, और इसका जो ये फर है बहुत ही प्यारा है, मुलायम है। आहा दिल खुश हो गया राशि बना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ आके टाइम अपना वेस्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने कुछ हासिल किए हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी वाली पसंद आएगी, तो वो हम लेंगे। बाकी आप राशि भाई क्या कहना चाहते हो, सफ़र कैसा रहा? बस बढ़िया बढ़िया रहा, बढ़िया। चलो ठीक है, आप ये चेक करो। वाह तो फाइनली गाइज हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, जिसके लिए हम कुफ्वारा से यहाँ पर आए हैं। तो वो आप चेक करो हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, या आप देख सकते हो ये कितनी प्यारी कैट है। तो हमें एक्चुअली ये वाली नहीं लेनी है, हमें दूसरी वाली लेनी है, लेकिन ये भी बहुत प्यारी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका नाम है बुगु। इसका नाम क्या है? बुगु। बुगु वाज ब्याग ब्रोच हो क्या? अच्छा जैसे नहीं, चलो ठीक है। तो बस अभी हम दीदी से बात करेंगे, तो फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक। पेट शॉप। तो गाइज अभी हम यहाँ से निकलेंगे, जो पेट्स हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं ताकि इसमें जो सेफ रहे। आप देख सकते हो दो हमने लिए हैं, ठीक है आप देख सकते हो। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह बाहर। गाइस हम यहाँ पर पेट शॉप पे आए हैं, यहाँ पर हम उनके लिए थोड़ी बहुत फीड देंगे, जो हमने कैचेस बोली तो उनके लिए हम थोड़ी बहुत फीड देंगे यहाँ पे। यहाँ पे भाई साहब है तो उनसे हम बात भी करेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं पेट्स के लिए, अगर कोई आना चाहता है जिसके घर में पेट्स हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ अवेलेबल यहाँ पर है, वो आए यहाँ पर एक बार विजिट कीजिए। ये सबसे महंगा वाला फीड है कैट्स के लिए। तो बाकी अभी साथ हमारे यहाँ पर भाई साहब हैं, हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे इनके लिए क्या बेटर रहेगा। यहाँ पे भाई की कलेक्शन बहुत ही मस्त है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके पास कुछ कुछ ब्रीड्स भी अवेलेबल है, और हमारी शॉप में विजिट करना इंशाल्लाह पूरा श्रीनगर, ठीक है केरे इनके बगल में हमारा शॉप पड़ता है, तो विजिट जरूरी करना, ठीक है। बाकी हम इसकी ब्रीड्स चेक करेंगे, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। एक राशिक भाई के हाथ में है का जो ये सिस्टम है ये भी अवेलेबल है, बाकी सब कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार आप यहाँ पर आइए और विजिट कीजिए। तो फाइनली गाइज हमने कैटस भी ली और उनके लिए जो फीड थी वो भी हमने यहीं से ली। मैं आपको दिखाऊंगा वो फीड, ब्रेक ब्रेक ये हैं जी फीड इनके लिए,
तो फिलहाल हम इस कुछ इस तरह तरह के लोकेशन पे हैं, ये शायद नार्बल एरिया है, ये नार्बल है, तो यहाँ पर हम पहले कुछ खाएंगे क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, तो चलो चलते हैं। गाइस जो हमने ऑर्डर किया था, हमने बिरयानी ऑर्डर की थी, वो आ चुकी है, तो बस भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, तो हम खाएंगे तो और फिर उसके बाद मिलेंगे। हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे हैं, ये नियर नार्बल है, तो यहाँ पर हमने बिरयानी ऑर्डर की, मैं और आसिफ भाई हम खाएंगे और उसके बाद फिर निकले, लेट काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो खाएँगे और फिर उसके बाद आपको मिलेंगे। तो गाइस खाना शाना हो गया, सब कुछ हो गया, तो भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, अब यहाँ पर हमने नार्बल में खाना खाया, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक फील कर रहा हूँ, ठीक है, मैं और आसिक भाई, तो बस अभी हम घर की तरफ जाएंगे, यहाँ से ऑलमोस्ट कम से कम हमें 2 hours 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे से भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रैफिक होगा सामने तो फिर तो ज़्यादा ही, फिर तो हम फंसेंगे, तो हम फंसेंगे, मतलब शाम के टाइम हम घर पहुँचेंगे, शाम तक हम पहुँच जाएंगे, 6:30 तक तो हम ही पहुँच जाएंगे, तो बाकी देखते हैं आगे क्या 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 हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई। फाइनली गाइज अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच चुका हूं, एंड रसिक भाई जो है वो भी अपने घर पहुंच चुका है, तो बाकी अगर आपको किसी भी रीज़न से मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करके जाना, तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।